अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा कि हम पी डी सेल के मॉडम को प्रॉपर राउटर बनाने का तरीका सीखेंगे। उसके लिए सिंपल आपने पी डी सेल के मॉडम का जो कंसोल आई पी वो ओपन करना है। वो आप आई पी ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज आ जाएगा। इस पेज में आपके लेफ्ट साइड पे ऑप्शन आ रही हैं। इस ऑप्शन पर आपने एडवांस सेटअप क्लिक करना है, लेयर टू इंटरफेस पर क्लिक करना है, ई टी एच इंटरफेस पर क्लिक करना है। ई टी एच इंटरफेस क्लिक करके थोड़ा सा राइट को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ऐड का बटन आएगा, ऐड कीजिएगा। लैन फोर सेलेक्ट कर लें, लैन थ्री, लैन टू, लैन वन, कोई भी लैन सेलेक्ट कर लें, उसको आप अप्लाई कर दें। बाय डिफॉल्ट लैन फोर पे है, लैन फोर सेलेक्ट कर लें। बाज़ राउटर में सिर्फ एक ही लैन आ रही होती है, आप उसको सेलेक्ट करें, अप्लाई कर दें। ये आपका राउटर अप्लाई हो गया, सेटिंग अप्लाई हो गई राउटर में। ये इसकी ई टी एच लैन फोर इसकी वैन पोर्ट बन गई। उसको कन्फिगर किसने करना, आपने ई टी एच पे ये आपने कन्फिगर करने के बाद वैन सर्विस पर क्लिक करना है। वैन सर्विस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बस ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड भी आना है। यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रॉल अप करेंगे तो ई टी एच 094 बाई डिफॉल्ट उसी पे सिलेक्ट है। आपने इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपका ट्रिपल पी ओ ओवर इथरनेट है, इसको आप आई पी ओवर इथरनेट पर करेंगे, सेकेंड वाला ऑप्शन। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने ऑब्टेन आई पी एड्रेसेस पर रहने देना है इसको, फिर आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपके पास नेट है, नेट को चेक करना है, फुल को नेट को चेक करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने देन इसको सेलेक्ट ज़ीरो है, इसको एज इट इज़ रहने दें, फिर इसको नेक्स्ट कर दें। फिर नेक्स्ट के बाद इसको नेक्स्ट करना आपने। जब लास्ट इसका आ जाएगा तो वो आप इसमें देखें समरी में, नेट में इनेबल है, फुल को नेट इनेबल है, फायरवॉल इनेबल है, आई जी एम पी मल्टीकास्ट डिसेबल है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिसेबल है। आपने जस्ट ये सेटिंग अप्लाई करनी है, इसको अप्लाई कर देंगे तो इस तरह यहाँ पे आपके पास एक ई टी एच ज़ीरो के नाम से ये कनेक्शन बन के आ जाएगा। अब जो करना ये आपने कि इसका वाईफाई पे आएंगे, वायरलेस सेटिंग पे, वायरलेस सेटिंग में आकर उसका वाईफाई नेम चेंज कर दें, पावर प्लान लिखो आप कुछ भी रख दें। उसके बाद सिक्योरिटी पे आए, सिक्योरिटी पे आकर आप इसका पासवर्ड चेंज कर दें। यहाँ पे ये क्लिक है और डिस्प्ले लिखा हुआ, इसको रिमूव करेंगे और क्लिक है और डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पासवर्ड का शो हो जाएगा। आपने पासवर्ड चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करके अप्लाई कर दें। दोनों सूरतों में जब आप इसको कन्फिगर कर लेंगे तो सबसे पहले आपने एक चीज़ देखनी है कि आपका ये जो मॉडम का आई पी है 192.168.10.1, आपको जो मेन राउटर होगा पी टी सी एल का या कोई भी कंपनी का राउटर है, उस मेन राउटर का आई पी सेम नहीं होना चाहिए। अगर उसका आई पी इसका आई पी सेम है तो आप अपने इस राउटर को जो एडिशनल राउटर ऐड कर रहे हैं उसको चेंज कर लें। उसको चेंज कहाँ से करेंगे आप, एडवांस सेटअप पे, लैन पे, लैन पे जाके यहाँ पे आप आईपी चेंज कर देंगे। 192.168.10.1 है, अगर मेन राउटर का 10.1 है इसको आप कर देंगे 11.1। उसके बाद दोबारा जब नीचे क्लिक करेंगे स्टार्ट डी आई सी पी एंड सर्वर, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने 11.2 करना है और ऑटोमेटिकली ये 254 तक आ जाएगा। इसको जैसे आपने अप्लाई कर देना, अप्लाई करने के बाद आपका ये मॉडम जो है वो राउटर की शक्ल तैयार कर लेगा। बाद मॉडम है वी डी एस एल के, जिसमें ये एडवांस में जब लेयर टू पे जाते हैं तो यहाँ पे ए टी एच और ए टी एम का ऑप्शन आता है बस, और उसमें ई टी एच का ऑप्शन नहीं आता। ई टी एच का ऑप्शन जिस मॉडम में आता है वो मॉडम आपका राउटर बन जाता है, जिसमें ए टी एच का मॉडम नहीं और ऑप्शन नहीं आता उस पर जैसा आपने लैन पे क्लिक करना है। लैन पे जाके आपने उसका ये डी आई सी बी डिसेबल है, डिसेबल डी आई सी बी डिसेबल करके इसको अप्लाई कर देना है और इसके मोड में किसी बोर्ड में आपने उसको लगा देना है जो मेन राउटर के केबल है, तो आपका राउटर बन जाएगा। अब इस सीन में करना ये है आपने जो मैंने आपको पहले मैथड बताया कि आपने उसमें जब लगा ली केबल, आपने पहले लैन वन पे केबल लगानी है। लैन वन पे केबल लगाएंगे तो ये देखिए ए टी आई ज़ीरो है, इसको स्क्रॉल करना राइट को, देखें ऊपर एक आईपी आ रहा है तो ए टी आई ज़ीरो पर भी इस जगह पे भी एक आईपी आ जाएगा। अगर लैन वन पर लगा दें, अगर लैन वन पर लगा के यहाँ पे आईपी नहीं आता तो फिर आप इसको लैन फोर पर ट्राई कर लीजिएगा। लैन वन और लैन फोर ये दोनों जो पोर्ट्स हैं ये जब राउटर कन्फिगर होता है उसके बाद ये इनमें से कोई एक पोर्ट ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए करामा साबित होगी पी टी सेल के किसी भी स्पेयर मॉडम का राउटर बनाने में।
दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शुक्रिया।